नमस्कार, आप देख रहे हैं लाजवाल। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। नाज़रीन, जिस तरह से आप सब जानते हैं कि दुनिया भर में कोरोना जैसी महामारी ने कोहराम मचा रखा है, ऐसे में जिला धूमपुर में कोविड जैसी महामारी से लड़ने के लिए किस तरह के इकदाम किए गए हैं, इसके लिए हमारे साथ आज के हमारे मेहमान जिला तहकीकती कमिश्नर उधमपुर इंदु चिप जी हमारे साथ खुसूसी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इन्हीं से मजीद बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जिला धूमपुर में किस तरह के कोविड 19 जैसी महामारी से बचने के लिए किस तरह के इकदाम किए गए हैं, ताकि एक तरफ जो है कारोबारी हजरात जो कारोबारी से जुड़े लोग हैं उनको भी देखना है, दूसरी तरफ महामारी जो लगातार बढ़ रही है इसको भी देखना है। इन्हीं से बातचीत करते हैं। जी मैम, सबसे पहले तो आपका खैर मकदम हमारे साथ बातचीत करने के लिए शुक्रिया। जी मैम, जिस तरह से आपने अभी थोड़े ही दिन पहले जो है ऐसे जिला तहकीकती कमिश्नर के दौरे तौर पर यहाँ पे अपना अहदा संभाला है, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ के लोग आपको कैसे लगे और किस तरह का कॉपरेट जो है आपको मिल रहा है। देखिए, लोग हर जगह यकसा होते, एक जैसा होते हैं, लोगों में कोई ऐसा लंबा चौड़ा फर्क नहीं होता। बट एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगी कि ये पुराना डिस्ट्रिक्ट है जी। और पुराना डिस्ट्रिक्ट होने के नाते लोगों को बहुत सारी चीजों का पहले से इल्म है और बहुत सारे गवर्नेंस इश्यूज उनको पहले से ही पता है, तो काम करना में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है जी। मैं कुछ दिन पहले आपको रामनगर की बात करें या उधमपुर की बात करें, चनैनी की बात करें, इनके बेस्तर इलाके में आपको देखा गया, वीडियोस में भी देखा गया कि वहाँ पे आप खुद जो है ग्राउंड पे जाकर अनाउंसमेंट कर रही हैं और लोगों को कोविड जैसी महामारी के हवाले से जो है वो आगाह कर रही हैं कि इसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस जो है आप लोगों को फॉलो कर रही हैं। ऐसा शायद इतिहास में जिला उधमपुर में पहली बार देखने को मिल रहा है कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट खुद जो है ग्राउंड पे उतर कर लोगों को जो है जानकारियां फराहम करवा रहा है। क्या लगता है कि जिला उधमपुर में कोविड के खिलाफ जो है जंग जो है वो शुरू हो चुकी है? कोविड के खिलाफ जो जंग है वो तो मेरे ख्याल से उसको 20-25 दिन हो गए, एक महीना हो गया। बट उधमपुर में एक बहुत बड़ा जो मेरे सामने चैलेंज आ रहा है वो नेशनल हाईवे का आ रहा है। बिल्कुल। और नेशनल हाईवे लगातार चलता है, उस वजह से पूरी तरह से जैसे हमने रियासी को सील कर दिया था जी। और उसके सारे एग्जिट एंट्री पॉइंट हमने नाके बंद कर दिए थे, वो थोड़ा उधमपुर में मुश्किल हो रहा है। बट एट द सेम टाइम मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे चनैनी, रामनगर और उधमपुर दोनों कमेटीज और ये काउंसिल बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। और मैं चनैनी में भी गई तो भी उन लोगों ने बढ़ चढ़ कर मेरे सामने जो है प्रस्ताव रखे कि हम गवर्नमेंट को कैसे सपोर्ट करें। रामनगर में भी हमने कल बहुत अच्छी फ्रूटफुल मीटिंग हुई और काउंसिल उधमपुर तो है ही है, तो लड़ाई तो हमारी शुरू हो चुकी है बट मुझे सपोर्ट बहुत मिल रहा है, लोग काफी आगे होके उधमपुर वाले जो हैं वो हेल्प करने के लिए तैयार। जी मैम, जिस तरह से दिल्ली में ये देखा गया है कि वहाँ पे ये सारे बड़े बड़े शहरों में हॉस्पिटल जो है वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से जो है काफी सारे लोगों की जो है वो जाने गंवाना पड़ी है, ऐसे में खुदा ना करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर जिला धूमपुर में अगर इस तरह के हालात क्रिएट हो जाते हैं तो उसके लिए आपकी तरफ से क्या इकदाम जो है वो किए गए हैं? थोड़ा आपका सवाल दो हिस्सों में बांटूंगी। जी जी। पहला ये कि आपने कहा कि अगर वो हालात यहाँ पर हो जाए, ये मैं सबको बताना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये हालात कभी भी कहीं भी हो सकते हैं। और जब तक कि पब्लिक क्राउडिंग कर रही है, बिना मास्क के घूम रही है, एक एक मोटरसाइकिल में तीन तीन लोग बिना मास्क के जा रहे हैं, और हाथ धोने का जो चलन है वो नहीं अपना रहे हैं, तो ये कहीं भी हो सकता है, फिर चाहे वो कोई भी जगह की ना हो। बिल्कुल। अब दूसरा हिस्सा आपके सवाल का, उधमपुर आज की तारीख में जिस हिसाब से हमारे हर दिन 40-50-60 केसेस बढ़ रहे हैं जी। उस हिसाब से तो हम तैयार हैं, बट अगर मेरी शक्तियाँ लोगों को इस समय नाराज कर रही हैं, आई डोंट बॉदर, मुझे लोगों को खुश करके कोविड नहीं मैं जीत सकती हूँ। मेरे तरीके से कोई ना कोई नाराज होगा, जरूर होगा, कोई ना कोई इस समय मुझे बहुत ज़्यादा बद्दुआएं दे रहा होगा, बट एक महीने के बाद जब ये पूरी हमारी जो सर्ज है ये खत्म हो जाएगी, तो मैं ये देखना चाहूंगी कि मेरे उधमपुर में कोई भी इंसान मौत के मुंह में ना जाए, वो सेफ रहे, बीमार ना हो। इसके लिए लास्ट में मैं ये बताना चाहती हूँ कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर पूरी तरह से इस समय तैयार है, हमारा ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट डबल शिफ्ट में हम लोग काम कर रहे हैं, 20 दिनों में, अगले 15 दिनों में मेरा जनरेटर प्लांट चलना चाहिए हर हालत में जी। दूसरी चीज, वैक्सीनेशन, जिन लोगों को शक है कि वैक्सीनेशन के बावजूद भी हम पॉजिटिव हो रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि जो वैक्सीनेशन हो रहा है
बहुत ज़्यादा तादाद ऐसे लोग हैं जो वैक्सीनेशन करने के बाद उनका ऑक्सीजन कम नहीं हुआ शरीर में, वो इस कोविड की महामारी से लड़ पाए, वो वही लोग हैं जिन्होंने अपने आप को वैक्सीनेट कराया। जी मैम, जिस तरह से पहली मई से यानी कि फर्स्ट मई से 18 से ऊपर जो लोग हैं उनको जो है कोविड वैक्सीनेशन शुरू की जाएगी, तो इसको लेकर आप लोगों को क्या कहेंगे और ऊपर के जवान को किस तरह से क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं, पहले तो मैं उनको एक आह्वान देना चाहती हूँ कि जो लोग अभी भी हमारे सामने नहीं आ पा रहे हैं, सब लोग आइए, अपने आप को बचाइए, वैक्सीनेट कराएंगे 45 साल की उम्र के ज़्यादा लोग तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरी चीज़, आपने कहा 18 साल वाला हम लोग पहली मई से, हमें डायरेक्शंस हैं और मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक लोगों से आ रहा है, उनके पेरेंट्स से आ रहा है, क्योंकि बच्चे जो हैं उनको घरों में रखना मुश्किल है, तो पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो वैक्सीनेट हो जाएं, तो हम पूरी तैयारी में हैं। जी मैम, बिल्कुल। मैम, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से स्टार्टिंग में जब कोरोना वायरस जैसी महामारी का दौर शुरू हुआ तो उसमें लोग जो है काफ़ी ज़्यादा डरते थे और लोगों में एक खूफ और दहशत का माहौल जो है वो देखने को मिलता था, लेकिन जैसे जैसे ये कोरोना महामारी आम होती गई वैसे ही लोग जो है इसको भूल चुके थे, ऐसे में लोगों को ये सब समझाना कितने चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ता है? लोगों को समझाना, अभी आप मेरे कमरे में बैठे थे तो मैं जिन लोगों से बात कर रही थी उनकी मैं दुकानें सील करके आई हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोगों के मन में क्या चल रहा है। रोज 2 घंटा 1.5 घंटा मैं इस बात पे निकालती हूँ कि बड़ी से बड़ी दुकान को बंद कर दूँ, छोटे से छोटे बंदे को समझा दूँ, किसी को मास्क के बगैर देख रही हूँ तो रुक रही हूँ। इन सब चीज़ों में मैं और मेरी टीम, मैं कुछ नहीं हूँ अपनी टीम के बगैर, मेरी टीम पूरी लगी हुई है। अगर मेरी टीम का कोई बंदा पॉजिटिव आता है उसकी जिम्मेदारी भी मेरी। तो बहुत सारे लोग इस समय उछल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मैं उन सबको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप कैजुअल हो गए कोविड को लेके कि चलिए जी खांसी जुकाम है उसके बाद ठीक हो जाएगा, आप उन लोगों से पूछें जिनके घरों में 2-2 मौतें हो चुकी हैं, एक के बाद एक 2 मौतें हो चुकी हैं, उन लोगों से पूछिए जिनके घर वाले इस समय आईसीयू में हैं। और मैं आपको एक चीज लास्ट में ये बता दूं कि ये जो कोविड आया है दोबारा से, ये यंग लोगों को पकड़ रहा है। पहले ये बोला जाता था कि बूढ़े बुजुर्ग जो हैं इसकी चपेट में आ रहे हैं, इस समय यंगस्टर्स इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो आपको जो समझना है समझिए, बट मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि उधमपुर में अगर कोई नहीं मानेगा तो उनको मनवाया जाएगा और कैजुअल में किसी को होने नहीं दूंगी। मैम, एक लोगों की तरफ से सवाल रहेगा, जिस तरह से लोगों का ये मानना है, लोग जब से आपने यहाँ पे अहदा संभाला है लोगों में काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है कि अब इंदू चिप मैन ने जहाँ पे डीएम का ऐसे अहदा संभाला है तो शायद जिला उधमपुर जो है वो कहीं ना कहीं तरक्याती कामों की ओर बढ़ेगा, और ऐसा नहीं है, ऐसा देखने को मिल रहा है कि जिला उधमपुर जो है आपको कहीं ना कहीं तरक्याती कामों की लहर जो है वो कहीं ना कहीं दिखा रहा है, ऐसे में तरक्याती कामों का देखा जाए तो उसको लेकर किस तरह से काम किया जा रहा है? मेरा जब मैं किसी एरिया में जाती हूँ तो मेरा बेसिक फोकस ये रहता है कि मेरा एक बार जाना उस एरिया के लिए कोई ना कोई फायदेमंद साबित होना चाहिए। जैसे सड़क रुकी है या पानी का इशू है, जैसे परसों मेरे नोटिस में आया था कि रामनगर में पानी का इशू लोगों को फेस करना पड़ रहा है, मैं इसीलिए वहाँ पर नहीं गई थी कि सिर्फ कोविड था, वहाँ पानी को लेकर भी इशू था, हमने वहीं पर सॉर्ट आउट करवाया वो पानी का इशू। सड़कें हैं 2-4 जगह, आप देख रहे हैं गोल मेला हमने चलवा दिया, आप देख रहे हैं रामनगर की मजाता की सड़क हमने चलवा दी, और भी 2-4 जगह पर जो रुकी हुई चीज़ें थी वो चलवा दी। देखिए, जिंदगी तो चलेगी, कोविड आए चाहे नहीं आए काम होगा, मगर सिर्फ एक ही है कि हमें बैलेंस करके चलना पड़ेगा दोनों तरफ से। जितना भी मजदूर, जितने भी ठेकेदार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मेरी सबसे एक बहुत ही ज़्यादा इल्तजा है कि जब आप मजदूर बाहर से लाएं जरूर एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करें, उनकी टेस्टिंग कराएं, फिर उनको मिक्स होने की इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ जिला तरक्याती कमिश्नर उधमपुर इंदू कंवल चिप जी, जिन्होंने कोविड की सिचुएशन को लेकर हमारे साथ खुसूसी और तफसील से बातचीत की है और आवाम से भी ये गुजारिश की है कि इनकी तरफ से या जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से और खासकर जिला इंतजामिया उधमपुर की तरफ से जो भी लोगों को गाइडलाइंस बताई जा रही हैं उस पर पूरी तरह से जो है अमल दरामद करें ताकि इस कोविड-19 जैसी महामारी का जो है इसका जल्द से जल्द खात्मा किया जा सके। इस सिलसिले में हम भी आप लोगों से यही गुजारिश करते हैं कि जिला तरक्याती कमिश्नर उधमपुर की तरफ से कोविड जैसी महामारी से बचने के लिए आप लोगों को जो भी गाइडलाइंस दी जा रही है उसको अच्छे से फॉलो करें, जो SOPs बताए जा रहे हैं उसको अच्छे से फॉलो करें और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल करना जो है कभी भी ना भूलें ताकि इस महामारी को जल्द से जल्द जड़ से उखाड़ा जा सके। इन अल्फाज के साथ आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ, मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाल, हमेशा आपके साथ। सच बोलने की ताकत, सच बोलने की हिम्मत अपने मेजबान नरेंद्र सिंह ठाकुर को उधमपुर से दीजिए इजाजत। जय हिंद।